लोग पूछते हैं सामान्य आलसी और साक्षी में क्या अंतर है। वास्तव में दोनों में बहुत बड़ा भेद है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी कहता हूं। मैंने सुना है एक दुकान पर जूते खरीदने के लिए एक ग्राहक ने एक जोड़ी जूते देखे और उसकी कीमत पूछी, लेकिन धर्म का कहीं कोई युद्ध होता है? अगर धर्म का युद्ध होता है पूछा है परम ज्ञान को प्राप्त करने या परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। वास्तव में कुछ करते रहने की चिंता में पड़ना ही भटकाव है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, करता नहीं साक्षी बनो। लेकिन मन है कि बिना किए मानता ही नहीं, इसलिए मन के जालों से मुक्त होने की कला सीखो और इस कला का नाम है साक्षी बनो, साक्षी को साधो। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी कहता हूं। मैंने सुना है एक दुकान पर जूते खरीदने के लिए एक ग्राहक ने एक जोड़ी जूते देखे और उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने उसकी कीमत 500 रुपए बताई। ग्राहक ने कहा, मेरे पास कुल 400 रुपए हैं, 100 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। उस दुकानदार ने कहा, जरा मैं मालिक से पूछ लेता हूं। और जैसे ही पूछने के इरादे से मालिक की ओर देखता है, मालिक की इनकार भरी नजर को पहचान लेता है, लेकिन फिर भी वो जूते को बांधते हुए कहता है, हुजूर भरोसा करें, भला आदमी है, ये आपको 100 रुपए जरूर दे जाएगा। और ऐसा कहकर वह उस ग्राहक को जूते दे देता है। जब ग्राहक उस दुकान से चला जाता है, मालिक पूछता है, क्या तुम इस ग्राहक को जानते हो? कहाँ रहता है ये? कैसे इस पे भरोसा करके तुमने इसे छोड़ दिया? दुकानदार मालिक से कहता है, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता, ये भी पता नहीं कहाँ रहता है, और ये भी पता नहीं वो सच बोल रहा या झूठ बोल रहा है, देने की नीयत है या नहीं है ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पक्का जानता हूं कि वो जरूर 100 रुपए लेकर वापस आएगा। मालिक हैरान हो गया। उसने कहा, कैसे? दुकानदार ने कहा, मालिक, मैंने इसे एक ही पैर के दोनों जूते बांध दिए, एक ही पैर के दोनों जूते वो पहन नहीं पाएगा और मजबूरी में उसे वापस आना पड़ेगा और फिर पैसे भी लाएगा और दोनों जूते ले जाएगा। परमात्मा ने जब तुम्हें इस संसार में भेजा तो एक ही पैर के दोनों जूते बांध दिए, ताकि तुम इस संसार में भटके न रह जाओ, उलझे न रह जाओ और तुम्हें वापस जाना पड़े, और इसी के परिणाम स्वरूप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में तुम उलझे रहते हो। वास्तव में परमात्मा तुम्हें त्याग के रूप में, तपस्या के रूप में या अन्य किसी रूप में बलिदान करने की अपेक्षा नहीं करता है। जिन लोगों ने तुम्हें सिखाया है कि परमात्मा तुम्हारा बलिदान चाहता है, वे बेईमान लोग हैं। हजारों लोग उत्सुक हैं कि तुम्हारा बलिदान हो जाए, तुम शहीद हो जाओ। कोई कहता है धर्म के नाम पर जिहाद में शहीद हो जाओ, मर जाओगे तो बहिष्त मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के सारे सुख मिलेंगे, और जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, सत्ता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। लेकिन धर्म का कहीं कोई युद्ध होता है? अगर धर्म का युद्ध होता है तो अधर्म कहाँ जाएगा? युद्ध तो सिर्फ अधर्म का होता है। और कोई कहता है कि राष्ट्र के नाम पर शहीद हो जाओ, मैं कहना चाहता हूं, धार्मिक व्यक्ति का कोई राष्ट्र होता है? अगर धार्मिक व्यक्ति भी राष्ट्रों में बटा है तो वह धार्मिक नहीं, राजनीतिज्ञ।
धार्मिक व्यक्ति का बोध क्षुद्र नहीं विराट होता है, उसमें सारा अस्तित्व समाहित हो जाता है। परमात्मा तुमसे बलिदान नहीं मांगता, तुमसे उत्सव पूर्ण होने की अपेक्षा करता है। तुम्हारा रोना धोना गिड़गिड़ाना वहाँ नहीं पहुँचता, तुम्हारा उत्सव में होना ही वहाँ तक पहुँचता है। उत्सव पूर्ण क्षण में ही तुम उसके करीब होते हो। मैं हृदय खोलकर आपसे कहना चाहता हूँ, उत्सव पूर्ण होने और जागने का एक ही उपाय है, करता नहीं साक्षी बनो, दृष्टा बनो। अब तो जो परमात्मा दिखाए उसे देख लो, जो करवाए उसे कर लो। भूख लगाए भोजन कर लो, प्यास लगाए पानी पी लो, नींद लगाए तो सो लो। बस इतना सध जाए तो सब सध गया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस अपने साक्षित्व को साध लो। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात साफ कर दूं। एक डॉक्टर के क्लिनिक में कंपाउंडर एक छोटे बच्चे के पैर में पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे के पैर में दर्द था। पट्टी बांधते समय चीखता चिल्लाता कूदता उछलता और हल्ला मच गया। डॉक्टर बहुत डिस्टर्ब हो गया, वो अपनी कुर्सी से गुस्से में उठा और बच्चे के पास आकर कहता है, लाइए पट्टी मैं बांधता हूं। और उसने बच्चे से गुस्से में कहा, अगर तू जरा सा भी चीखेगा, जरा सा भी चिल्लाएगा, जरा सा भी उछलेगा, इंजेक्शन लगा दूंगा। ना डरा दिया बच्चे को, बच्चा सहम गया। जैसे ही पट्टी बांधना शुरू किया, बच्चे ने चीख कर कुछ कहना चाहा, डॉक्टर ने फिर उसे डरा दिया। वो पट्टी बांधने में लग गया, लेकिन बच्चा उछल कर हिलडुल कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसे डॉक्टर डरा देता था। डर के मारे बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और डॉक्टर पट्टी बांधता गया। और जब डॉक्टर ने पूरी तरह पट्टी बांध दी, तब बच्चे से कहा, अब बोल बार बार तू उचक उचक कर क्या कहना चाहता था। उस बच्चे ने कहा, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि आपने पट्टी मेरे बाएं पैर में बांध दी है, जबकि चोट मेरे दाहिने पैर में लगी। और आपसे मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बेहोशी में जीने वाले लोग कर्ता बन गए हैं, और कर्तापन की अवस्था में उन पैरों में पट्टियों को बांधने में लगे हैं जिनमें चोटें ही नहीं लगी हैं। इसलिए करना जरूरी नहीं है, सिर्फ होश पूर्ण होना जरूरी है। सिर्फ होश को साधो और फिर गौर से देखोगे तो पाओगे तुम वही हो जहां पहुंचने के लिए तुम सब कुछ करने में लगे हो। और तुम हैरान होगी ये जानकर कि जहां तुम्हें पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ होश पूर्ण होना ही पर्याप्त है। यही भगवान अष्टावक्र का महावाक्य है, परम वचन है। और इस महावाक्य का सार है, कर्तापन से संसार बनता है, साक्षी भाव में जीने से परमात्मा उपलब्ध होता है। और इस महावाक्य का यही सार है, कर्तापन से संसार बनता है और साक्षी भाव में जीने से परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। लोग पूछते हैं, सामान्य आलसी और साक्षी में क्या अंतर है? वास्तव में दोनों में बहुत बड़ा भेद है। साधारण आलसी कर्म नहीं करता, पड़ा रहता है बिस्तर पर, लेकिन कर्म करने की योजनाएं निरंतर बनाता रहता है। लेकिन साक्षी वह है जो करता तो खूब है, लेकिन उसके भीतर कर्तापन का भाव नहीं रहता है। जो भी परमात्मा करवाता है वह करता चला जाता है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी वह अकर्ता बना रहता है। ये भाव गहनता से उसके भीतर भरा रहता है कि करने वाला वही, कराने वाला वही, वो तो उसका हाथ भर है।
वो कोई योजनाएं नहीं बनाता, वर्तमान का क्षण जो करवाता है वही वो करता चला जाता है। तुम कर्तापन को छोड़कर आलस्य का परम शिखर हो जाओ, यही भगवान अष्टावक्र की शिक्षा है और यही मेरे प्राणों का भी संदेश है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं बुद्ध पुरुष, बहुत थोड़ा सा भेद है। तुम आंखें बंद किए हुए बैठे हो, उन्होंने आंखें खोल ली हैं बस। और हर व्यक्ति अपनी आंखें खोल सकने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है, इसलिए सिर्फ इतना कहना है आंखें खोलो, बुद्धत्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।